बनना शुरू हो गया है। बस अब हमें जरूरत है पास्ता की। हमारा अगला स्टॉप है न्यूयॉर्क स्टेट के ब्रुकलिन शहर में, जहां लिंगुइनी को उसका आकार मिलता है। यहाँ डी मेल्डरी एंड सन्स में पास्ता बनाने के लिए जरूरी दो खास चीजों में से एक चीज बनाई जाती है, और वो चीज मैदा नहीं है। पास्ता बनाने से पहले सबसे जरूरी है पास्ता को आकार देने के लिए पास्ता का डाई यानी सांचा बनाना। असल में हम मैन्युफैक्चर करते हैं डाइज, एक्सट्रूजन डाइज, जो दरअसल डो को पास्ता के आकार में ढालती हैं। तो बहुत सारे लोग खाते वक्त इसके बारे में सोचते नहीं होंगे, पर ये एक तरह से कुकी कटर जैसा है, और इसलिए आप जो पास्ता स्टोर्स में खरीदते हैं वो शेप और साइज में एक जैसा होता है। हाँ, लेकिन ये कुकी कटर से ज्यादा घर में भुजिया बनाने की मशीन जैसा होता है। मेल्डरी एंड सन्स के डाइज दर्जनों शेप्स और साइजेस में मिलते हैं। बहुत मुमकिन है कि जो पास्ता आप अगली बार खाएं उसका डाई यहाँ बना हो, और कुछ डाई तो इस कंपनी जितने ही पुराने हैं। ये डाइज करीब 100 साल पहले बनाए गए थे। असल में उस जमाने में डाइज ठोस तांबे से बनाए जाते थे, और ये सब हाथों से बनाए जाते थे। हाथों से ही बनाए हुए औजारों से इन्हें अलग अलग आकार देने के लिए पंच किया जाता था, और ये शेल डाई है जिससे शेल पास्ता बनाया जाता है। ये एक ऑर्जो मेकर की तरह है, ऑर्जो, स्टेलिनी या स्टार, और ये अल्फाबेट डाई है। तो 100 साल पहले भी बच्चे सूप में अल्फाबेट्स खा रहे थे। बिल्कुल। बहुत सारे अलग अलग पास्ता होने की सबसे बड़ी वजह है उनमें डाले जाने वाले सॉस। हल्के सॉसेस स्पेगेटी और एंजल हेड जैसे पतले पास्ता के साथ खाए जाते हैं, और मोटे पास्ता जैसे फ्यूसीली और फेट्यूचीनी का मजा गाढ़े सॉसेस के साथ ही लिया जा सकता है। जिटी जैसे छेद वाले पास्ता में मीट और वेजिटेबल्स भर जाती है, और ये सब शुरू होता है इन छोटे छोटे इंसर्ट से जो यहीं बनाए जाते हैं, यहीं इसी जगह जी, पर? इन्हें उन मशीनों से बनाया जाता है, और यहाँ विनी ग्रासो काम करते हैं, और वो पिछले 20 साल से पास्ता डाइज बना रहे हैं। जब थॉमस जेफरसन फ्रांस से पहला पास्ता मेकर यूनाइटेड स्टेट्स लेकर आए थे, तब उनके पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं था, और उनके पास विनी तो पक्का नहीं थे। विनी, पास्ता बनाने के लिए आप इन इंसर्ट्स के साथ आखिर करते क्या हैं? मैं इन मशीनों को डिजाइन और प्रोग्राम करता हूं, जिससे इन इंसर्ट्स के मुताबिक बिल्कुल सही शेप्स कटे। कभी किसी ने कोई अजीब सी फरमाइश की है, जैसे कि किसी पॉपुलर टीवी नेटवर्क का लोगो वगैरह? तो अब वक्त है थोड़ी पास्ता हिस्ट्री जानने का। चाइना में साल 2005 में एक आर्कियोलॉजिकल खुदाई में एक 4000 साल पुराना नूडल मिला था। बाजरे से बना हुआ ये नूडल स्पेगेटी का चाइनीज वर्जन था, पर आज हम अपने मेन कोर्स के लिए एक डाई बना रहे हैं, और मैंने इसका नाम रखा है विनी की लिंगुइनी। तो हर एक इंसर्ट में से पास्ता के 5 टुकड़े निकलेंगे, है ना? हाँ। आप 1 इंच के 1800वें हिस्से तक का ध्यान रखते हैं, कमाल है। देखते हैं, ये 180,000वें हिस्से जितना लंबा है और 80,000वें हिस्से जितना चौड़ा। अच्छी बात यह है कि इन्हें काटने का काम कंप्यूटर करता है। खुद काटने से तो कहीं ज्यादा आसान है ये, वरना हथौड़ी और छेनी से लगे रहो। ठीक कहा। मुश्किल है, पर ये आसान है। इससे तैयार प्रोडक्ट भी काफी स्मूथ और बेहतर निकलता है। ये देखिए, अब हम बनाने वाले हैं वो हिस्सा जो सारे डाइस को एक जगह रखता है। ये पहिया 230 किलो के धातु से बना है। असल में ये इंसर्ट्स पालने में झूलते छोटे बच्चे जैसे हैं, और ये वो मजबूत हाथ है जो इन्हें थामे रखता है। जी बिल्कुल। यहाँ कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, क्योंकि मैं उधर जाने वाला हूँ। काफी समझदार हैं आप। इस मशीन को हर सपोर्ट में 329 डाई के छेद करने में करीब 30 घंटे लगते हैं। ये गुर्राती बहुत है। हाँ। और बचा हुआ सपोर्ट अभी भी करीब 100 किलो का है। अब हम ड्रिल किए हुए छेदों में पहले बनाए गए डाइस को डालेंगे। अब इसे उल्टा करना है, तो इसे उठाएंगे कैसे? बिल्कुल ऐसे उठाएंगे, ये देखिए। सच में? हाँ। तो उठाओ, मैं दिखाता हूँ। दिखाओ। कोई वेस्ट बेल्ट नहीं है, कोई ग्लव नहीं है जी, कुछ नहीं है, बस ये है। ओके। ये तो मैं भी कर सकता था। तो कोशिश करना चाहेंगे? नहीं नहीं, अब आप कर चुके हैं तो मैं क्यों करूं, है ना? इसकी जगह जो मुझे इन इंसर्ट्स को सपोर्ट में ठोकने देंगे। एक बार और दम लगा के, ये हुई ना बात। जैसे ही सारे डाई सपोर्ट में चले जाएंगे, ये डो से पास्ता बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे 5 या 6 डाइस डालने में लगभग 10 मिनट लग गए, इसलिए ये काम भी मैं आप पर ही छोड़ देता हूँ।